न्यू दिल्ली तेजस राजधानी राइट टाइम पर आ चुकी है। इसका रैक देख सकते हैं, न्यू रैक। इंजन शेयर करता है WBP 4G, इसका इंजन शेयर करता है। चलिए दोस्त लोग चलते हैं। ऑटोमेटिक डोर है, देख सकते हैं खुल गया और ऑटोमेटिक बंद भी होगा। हम भीतर तक देखिए, हाँ सपन चेपो ना है चाबा ना सपन। तेजस राजधानी का बाया टॉयलेट है, वॉशरूम है, देख सकते हैं आप लोग। और बॉर्जन का एक दिक्कत आ रहा है, बॉर्जन क्या कर रहे हैं यूज करके ये प्रेस नहीं कर रहे, प्रेस जरूर कर दीजिएगा। फर्स्ट एसी का हायर क्लास का इंटीरियर, यहाँ पर सिर्फ एक कर्टन्स दिया हुआ है, ये लेडर्स लगा हुआ है चढ़ने के लिए अपर सीट में। ये डस्टबिन दिया हुआ है। और इस बार तेजस राजधानी में फैसिलिटी क्या दिया हुआ, ये शताब्दी जैसा कर्टन्स दिया हुआ है, पहले नहीं था कोई भी राजधानी में कर्टन्स, अभी राजधानी में कर्टन्स दे दिया गया है, कोई दिक्कत नहीं है। और इधर आपका एक लाइट का स्विच दिया हुआ है रात में। ऊपर में भी दिया हुआ उधर। गाइस मैंने इतना बार बुकिंग किया है टिकट, ठीक है, कुक में जितना बार भी रिक्वेस्ट किया है नहीं मिला, पर इस बार मेरा किस्मत शायद बहुत ही अच्छा है, जो अगरतला तेजस राजधानी मतलब इंडिया का फर्स्ट तेजस राजधानी में मुझे कुक में मिला है, मुझे कुक में मिला टिकट, ऊपर एक सीट है, ठीक है। सो मैं बहुत हैप्पी हूँ। और आपको पूरा कुक का डिटेल्स मैंने दे दिया है, देख लीजिएगा, ठीक है, चेक कर लीजिएगा। सो मैं इस बार फाइनली कुक में ट्रैवल कर रहा हूँ, क्योंकि जनरली ऐसा होता नहीं है कि मिल जाता है, कि कुक में सबसे पहले कपल लोग को ही दिया जाता है, तो इस बार खाली था और मुझे मिला, ठीक है, वो भी मुझे करंट अवेलेबिलिटी में मिला। आज सुबह 9 बजे ट्रेन था, मुझे मैंने बुकिंग किया था कल रात में 10 बजे। सो बहुत ही लकी हूँ मैं जो मुझे मिल गया कुक में। जर्नी में बने रहिएगा, ठीक है, ज़्यादा लंबा जर्नी नहीं है, 20 घंटे का जर्नी है, तो बने रहिएगा गाइस, थैंक्स।
टेक्निकल हॉल तक नहीं हुआ है स्टेशन, स्टॉपेज नहीं है, सिर्फ टेक्निकल हॉल पे गार्ड ड्राइवर चेंज होने के लिए यहाँ पे। जो नेक्स्ट स्टेशन क्या है स्क्रीन पर डिस्प्ले में दिखाई दे रहा होगा, अगला स्टेशन न्यू जलपाईगुड़ी लगभग 251 किलोमीटर दूर है और मेरा ये रहा बीक के बीक कुक में फर्स्ट टाइम मुझे मिला है। और यहाँ पे इंडिकेटर दिया हुआ है, अगर कोई नहीं है तो इसमें इंडिकेटर चलेगा, अगर है तो इसमें रहेगा। पहले का राजधानी में नहीं था, और आगे देखिए आगे भी सीसीटीवी है, पीछे भी सीसीटीवी कैमरा दिया हुआ है दोनों तरफ। पहले ऐसा राजधानी में दिया नहीं करता था, अभी दिया हुआ है। ये रहा सीसीटीवी, अच्छी बात है ये। फुल्ली ऑटोमेटिक डोर है, यहाँ पे स्टॉपेज नहीं है तो नहीं खुलेगा।
हम लोग आ चुके हैं NJB स्टेशन, ठीक है। स्टेशन का कोड है NJB और ये नॉर्थ बंगाल का और नॉर्थ ईस्ट का सबसे बड़ा स्टेशन माना जाता है इसको। इस स्टेशन को बनाया गया था 1960 में, ठीक है। इसमें रोजाना पहले 132 ट्रेन रुकता था कोविड के दौरान, अभी सिर्फ 62 ट्रेन यहाँ पे रुकता है। और यहाँ पे इसका हॉल्ट 10 मिनट है, उसके बाद ये सीधा कटिहार में जाके रुके। उसके बाद फिर कटिहार में मिलते हैं, वहाँ पर चेंज भी होगा, इंजन इलेक्ट्रिक लग जाएगा वहाँ पर, तो वहाँ मिलते हैं फिर से। बिरयानी ऑर्डर किया था भाई लोग ऑनलाइन IRCTC के ऐप से ही, सो दम बिरयानी मुझे मिला है 150 में। टेस्ट भी बढ़िया है, साथ में रायता दिया हुआ है, अच्छा है। 150 रुपये में अच्छा खाना है दम बिरयानी। यहाँ से दिल्ली तक ये इलेक्ट्रिक में चलेगा। और कटिहार स्टेशन हम लोग आ चुके हैं, ये यहाँ पे आया हुआ है 30 मिनट्स बिफोर कटिहार आ चुके हैं, ठीक है। कटिहार में टोटल 9 प्लेटफॉर्म है। कोविड से पहले 95 ट्रेन यहाँ पे रुकता था रोजाना, अभी सिर्फ 52 ट्रेन रुकता है यहाँ पे। 52 कोड KIR पड़ता है बिहार पे, अभी बिहार UP होके जाएगा ये ट्रेन दिल्ली तक। तो गाइस बने रहिए, इंजन भी चेंज हो चुका है, लोकोमोटिव चेंज हो चुका है। अब इसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट स्टेशन पे, आधा घंटा तो बिफोर आ चुके हैं हम लोग। तो आप लोगों को कुछ इंटीरियर दिखा देते हैं हम, ठीक है। राजधानी में 2nd AC और 3rd AC का कोच लगभग सेम दिया हुआ है, कुछ डिफरेंस नहीं है, सिर्फ सीट का डिफरेंस है, कंफर्ट का डिस्टेंस है, बाकी सब सेम है। चलिए 3rd AC दिखा दो। जंक्शन आ चुके हम लोग गाइस, 15 मिनट बिफोर घुस चुका है। अगरतला आनंद विहार तेजस राजधानी एक्सप्रेस,
तो मैं आ चुका हूँ DDU बरौनी आ चुका हूँ BJU कोड है। ट्रेन 20 मिनट बिफोर आया है स्टेशन पे। यहाँ पे 8 प्लेटफॉर्म है और ये आता है बिहार पे। यहाँ पे रोजाना 172 ट्रेन का स्टॉपिज है। फिलहाल कोविड के लिए यहाँ पे अभी 102 ट्रेन ही रुक रहा है। इसके बाद फिर मिलेंगे पाटलिपुत्र में, क्योंकि ये पटना पे नहीं जाएगा इसलिए पाटलिपुत्र का स्टॉपिज यहाँ पे है। पाटलिपुत्र में रुकेगा, उसके बाद इंडिया उपड़ता है मेरा लास्ट स्टेशन। सो मिलते हैं। अभी तक का जर्नी अच्छा जा रहा है, हर जगह बिफोर ही जा रहा है। गाइस पाटलिपुत्र आ चुके हैं। यहाँ पे गाड़ी आया है 20 मिनट बिफोर, उसके बाद सीधा रुकेगा दीनदयाल उपाध्याय। बीच में कहीं स्टॉपिज नहीं है इसका। और एक दो चीज़ बताना चाहूँगा यार, कि जब भी बिहार से गाड़ी जाता है ठीक है, तो अगर पत्थरबाजी होता है उससे पूरा बिहार का नाम खराब होता है ठीक है ना। तो बिहारियों का नाम मत खराब करो ठीक है। जिसमें भी हुआ है आज से ठीक 2 हफ्ता पहले सीसा टूर तोड़ दिया गया था। उसमें कुछ ब्लॉगर ट्रैवल कर रहा था, शायद मोनू भैया था, ट्रैवल विद ऋषि था, ये लोग थे। तो ऐसा नहीं करने का ठीक है, ऐसा करने से बदनामी होता है, तो मत करो, ऐसा गलत चीज़ है। हो सके आप लोगों का ही फैमिली ट्रैवल करता होगा इस सब में, तो ऐसा नहीं करने का। ऊपर से रेल इतना अच्छा अच्छा ट्रेन उतार रहा है, तेजस उतार रहा है, तेजस में पहला बार स्लीपर कोच उतार रहा है, तो रिस्पेक्ट किया करो इंजीनियरों का, रेल का ठीक है। और अगर कुछ विरोध करना है तो रेल से करो, विरोध करने का और भी तरीका है, पत्थर उत्तर मत मारा करो ठीक है। ये वो शीशा है जो तोड़ दिया गया था 3 हफ्ता पहले, देख सकते हैं डबल शीशा लगाया हुआ है। बहुत ही अच्छा डिब्बा है, बटर पनीर जीरा राइस ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वालिटी का डिब्बा है। मैं तो रिकमेंड करूँगा आप लोग रेलवे का वेबसाइट से ही, मतलब जहाँ से आप लोग बुक करते हैं IRCTC रेल कनेक्ट से आप लोग बुक कर सकते हैं फूड ट्रेनर देख के। खाने का क्वालिटी डेफिनेटली अच्छा मिलेगा, रेटिंग देख के बुक कीजिएगा ठीक है। आ चुका हूँ दीनदयाल उपाध्याय राइट टाइम 20 मिनट पहले। यहीं तक मेरा लास्ट जर्नी था दोस्त लोग, राइट टाइम आया, ट्रेन में कोई दिक्कत नहीं है, सर्विस ठीक है। सिर्फ खाने का क्वालिटी मुझे बुरा लगा, खाना उतना अच्छा नहीं है, पैकेजिंग सिर्फ हल्दीराम का खाना जो दे रहा है अच्छा खासा दे रहा है, बाकी उतना अच्छा नहीं दे रहा है। तो चलिए अभी मुझे दूसरा ट्रेन स्विच करना है हावड़ा राजधानी, तो उसमें मिलते हैं आप लोगों के साथ। बाय बाय दोस्तों।